उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीट गाजीपुर, जहाँ पे हम आए जनता की चौपाल ग्राउंड से, आखिर देखेंगे। इस समय चाचा चाय की चुस्की भी ले रहे थे, माहौल क्या है इस बार का? जो गाजीपुर में जो विकास हुआ है, जो गाजीपुर में विकास जब कभी नहीं हुआ था, जो विकास किया वही विकास को लोग कहते हैं विकास पुरुष, तो चुनाव हार गए। अरे भाई हार गया, लेकिन इस बार नहीं हारेगा, जो विकास किया वो जीतेगा। राकेश राय। राकेश भैया, माहौल क्या होगा इस बार गाजीपुर? हम क्या बताएं, विकास के साथ हम लोग हैं, मोदी जी के साथ हैं, ओनली फॉर बीजेपी। लेकिन गाजीपुर की बात करें, आपने तो करीब से देखा होगा, लोग कहते हैं कि राजनीति फैक्टर होता है, ऐसा कुछ होगा क्या इस बार, या जनता का मन इस बार बदल जाएगा? अब पिछली बार से सांसद अफजल अंसारी जी रहे हैं, 5 वर्षों की विगत वर्षों में कुछ काम हुआ नहीं है जिले में। इस बार हम लोग आने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट करेंगे, अगर जीत जाती है बीजेपी यहाँ से तो फिर विकास शुरू होगा, ये उम्मीद है। विकास तो हुआ, ट्रेन चली, सिन्हा जी ने कहा विकास बहुत हुआ है, बहुत विकास हुआ है, लोगों को दिख रहा है, पूरे जिले को दिख रहा है, क्योंकि आम जनता को विकास चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोड चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन इस बार अगर हम कहें बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, अभी समय है, कैंडिडेट मिलेगा, अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, इस जिले से मिलेगा, उम्मीद करते हैं। क्या आप डबल इंजन की सरकार से खुश हैं? बहुत, 100%, पूरा देश खुश है। लोग तो कहते हैं रोजगार मिला नहीं। अब रोजगार तो भाई हम क्या कहें, रोजगार जिसके अंदर टैलेंट है उसके उसके पास रोजगार है, टैलेंट नहीं है तो बेरोजगार आपने आपको कही है। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम बेरोजगार नहीं है, हमारे पास कोई नौकरी नहीं, लेकिन खुद का काम करते हैं। लोग तो कहते हैं कि अमित शाह जी कहते हैं कि अगर काम ना मिले तो पकौड़ा। नहीं नहीं नहीं, पकौड़ा जिसके अंदर पकौड़ा तलने का टैलेंट होगा वो पकौड़ा तलेगा, जिसके अंदर मोबाइल बनाने का टैलेंट होगा वो मोबाइल बनाएगा, जिसके अंदर, हर आदमी के अंदर अलग अलग क्षमता है, अलग अलग कार्य करेगा। कोई भाई सब्जी बेच रहा है, सब्जी बेचेगा, अब उसको IAS तो सरकार बना नहीं देगी बुला करके, हैं तो इसी तरह है। अगर चुनावी सरगर्मियाँ की बात करूँ भैया, तो लोग कहते रहे कि 5 बार मुख्तार अंसारी विधायक रहे मऊ के, उनका इंतकाल हुआ, क्या कुछ ऐसा ऑटो का कुछ ऐसा फैक्टर हो सकता है या लाभ मिले अफजल को? नहीं नहीं, मुख्तार अंसारी जी मऊ से विधायक रहे हैं, ये गाजीपुर इस जिले के रहने वाले हैं, उनके साथ भावना जुड़ी हुई है, लोगों की जुड़ी है, लेकिन हमारे जब वोटों में बहुत कोई ये नहीं होगा, क्योंकि वो मऊ से रहे हैं, ये भी है जिले के रहने वाले हैं, उनके साथ संवेदना सब वर्ग के लोगों का है। आकस्मिक मौत हो गया, लोग तो बहुत तरह तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो सच्चाई हो रिपोर्ट आएगा, सबको पता लगेगा, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। भाई कहीं ना कहीं हम भरोसा तो सरकारी तंत्र पे ही ना करेंगे किसी के साथ। अभी हमारे साथ कोई चोरी हो गई, कुछ हो गया, तो कहाँ जाएंगे, थाने में जाएंगे, न्यायालय में जाएंगे, जो वहाँ से आदेश, वही है।